नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक नहीं। अच्छा, क्या तकलीफ हुआ, जोर से बोलिएगा। मेरा ये कान है ना, हाँ, पूरा डेड है। बिल्कुल, मतलब ये राइट कान बिल्कुल बंद है। लेफ्ट कान से सुनते हो? लेफ्ट कान से 50% आता है वो। पीछे से सुनाई देता है? सुनाई देता है। आप खड़े हो जाओ, पीछे से बात करो। हाँ, आपका नाम क्या है? अशोक नायडू। सुनिए, आपको एक कान बंद है, राइट कान। राइट, बिल्कुल, और वो ठीक हो जाएगा। अशोक कुमार जी, आप पहले क्या करते थे? मैं पहले है ना इलेक्ट्रिक काम करता हूँ। अच्छा, वाइंडिंग वगैरह है ना मोटर। अच्छा अच्छा, काम करता हैं। तो स्कूल में नहीं पढ़ाते थे क्या आप? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ते। अच्छा, स्कूल में मैं पढ़ता था। अच्छा, प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ था? तो कुछ लग गया, बीमार हो गया था। अच्छा, हमारे सिस्टर है वो नर्स है। अच्छा अच्छा, तो उसने गोली दिया मेरे को। गोली दिया तो खाने के बाद दो चार दिन में मेरे को सुनना बंद। हाँ, बिल्कुल बंद हो गया। ठीक बात। तो मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब, हीरा नंदानी करके पूरा एशिया में एक नंबर डॉक्टर है। हाँ, हीरा नंदानी। हाँ, आप जानते रहेंगे नाम, अभी गुजर गए बॉम्बे में वो डॉक्टर। महाराष्ट्र में पूरा एशिया में एक नंबर था उनका, एक कान के बारे में। मैंने उनको चेक किया था। हाँ, उनके पास जाके उसने भी ना बोल दिया, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया जो ऐसा ये मशीन लगाते, उनके पास मशीन था और पूरा मिनिस्टर है ना महाराष्ट्र का, उनके पास चेकअप पे जाते थे। तो हमारा जरा पहचान था बॉम्बे में, उन्होंने बुलाया हुआ लेके गए मेरे को। हाँ, चेकअप किया तो उन्होंने बताया ये अभी किसी को भी नहीं बताना, कुछ नहीं होगा। अभी एक काम का, इसका इलाज अपने यहाँ नहीं होता है, तुम किसी को बताना नहीं। और ये जो मैं बताता हूँ ये दवाई गोली लेने का नहीं। हाँ, और जो आवाज़ आता ना ये बॉम्ब फटाका, ये वो ट्रेन का आवाज़, मोटर का आवाज़, इससे थोड़ा बच के रहना बस। ये लाइफ में तुम्हारा एक ही कान रहेगा आखिरी तक, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं कि अपन कुछ दूसरा कान के बारे में करना। जब तुम्हारा मैं व्हाट्सएप पे देखा वीडियो मैसेज के ऊपर, यूट्यूब पर देखा, सोशल मीडिया पर, तो मैं बोला ये जरूर कुछ ना कुछ अपन ट्राई करना चाहिए, ऐसे मेरे दिल में आया। फिर मैं तुम्हारा सब देखता गया मैं, फिर मैं इनको बोला जाने का, क्या मेरा दिल हो रहा है ऐसा कि अपन जाके उधर। अच्छा किया। तो बाद में तुमने बताया काय को इतना लंबे आके खर्चा कर रहे तुम, हम तो वहाँ आ रहे पूना में। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, कंसेशन तुमको वही मिल गया। अच्छा हो गया। अब अच्छा सुन के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सुन के अच्छा लग रहा है। अभी देखिए थोड़ा प्रैक्टिस तो करने पड़ेगा, वर्ड थेरेपी करनी पड़ेगी। मैं तो समझ गया, वर्ड थेरेपी करना पड़ेगा। वर्ड थेरेपी मतलब शब्दों को पहचानना, शब्दों का पहचानना नहीं, सुनना अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया, कान बंद करो, वो देखो। हाँ, मैंने कहा हेलो 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 सुनाई देता है, सुनाई देता। परंतु नया वर्ड बोलने से नाम क्या है, हाँ, नाम क्या है वो सुनाई देगा। हाँ, परंतु मैं कोई नई बातें करूंगा ना, आप पीछे से बोलो। तो दीदी पीछे से बात करो इसके। आवाज आता है समझ में? ना ना, समझ में आया तो ठीक तो बोला है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, समझ गया, कान एकदम चालू हो गया ना। जो कान बंद था 50 वर्षों से बंद था, बंद था, बंद 50 वर्ष 50 ईयर्स आज चालू हो गया। और बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा, बड़े बोले तो एशिया में बोलते एक नंबर डॉक्टर ने कहा था कभी नहीं चालू, हीरा नंदा ने कहा कभी चालू नहीं होगा। और हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं किया, सर्जरी नहीं की, कान में दवाई डाली, चालू चालू। वो बोले इसका एक ही इलाज है, अमेरिका में इलाज। अरे कोई नहीं, अमेरिका में नहीं, अमेरिका के सारे पेशेंट मेरे पास में आते हैं, झूठ बोलता है साला। अमेरिका पे अमेरिका नाम देते हैं, बोले आकाश में है, आकाश में कहाँ से होगा। ठीक है दीदी, सर थैंक यू वेरी मच अशोक भाई, गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरा इंतजार किया, उसके लिए बहुत मेरे को आपको मिलने के बहुत तमन्नाएं थी। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।